हेलो गाइस, तो कैसा आप सब। जैसा कि मैंने आपको बोला था, टीसीएल का 32 इंचेस का न्यू मॉडल जो कि आ चुका है, जो कि इसका मॉडल ये रहेगा आपको 32S5403AF। यह आएगा आपको बहुत ही बेस्ट प्राइस में, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। तो गाइस, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसके फीचर्स एंड डिटेल्स देखेंगे। तो गाइस, अब इसको करते हैं अनबॉक्स। तो गाइस, अब करते हैं इसको बॉक्स से बाहर। इसकी एसोसीरीज में हमको देखो, पहले तो ये दो टेबल टॉप ऊपर ही ऊपर मिल जाते हैं, और ये जो कि है इसका पार्ट और इसकी एसोसीरीज मिल जाती है। चलो अब गाइस, पहले सबसे पहले करते हैं हम टीवी को बाहर। तो टीवी को बाहर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, अब पन्नी से बाहर कर लेते हैं। ये भी सेम मॉडल ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें आपको फ्रेमलेस मॉडल ही आया है ये। इसमें आपको नीचे सिल्वर कलर में मिल जाती है, जो कि इसमें नीचे फ्रेम आपको सिल्वर कलर की मिल जाती है, और बैक से कुछ इस प्रकार का ये मेटेलिक बॉडी में मिल जाता है। और आपको ये देखिए, पावर केबल इसमें कनेक्टेड है, तो ये पावर केबल मिल जाती है, वो भी अच्छी खासी बड़ी पावर केबल मिल जाती है आपको। तो गाइस, अब इसको खोल देता हूं मैं, ये देखिए। और गाइस, इसके जो इनपुट आउटपुट है मैं वो आपको पहले ही बता देता हूं। तो इसमें यही बता देता हूं, एक यूएसबी पोर्ट, एक लैन केबल का पोर्ट, एक डिश एंटीना का पोर्ट, एक ऑप्टिकल केबल का पोर्ट, दो एचडीएमआई के पोर्ट, और जिसमें से एचडीएमआई 2 वाला एचडीएमआई एआरसी पोर्ट रहेगा, और एक एवी पोर्ट और एक ईयरफोन जैक रहेगा। तो गाइस, आप कर लेते हैं इसको प्लग इन। प्लग इन करने से पहले मैं आपको इसमें टेबल टॉप लगा लेता हूं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस हमने कर लिया है टेबल टॉप टीवी को। अब आपको इसकी एसोसीरीज बता देता हूं। तो एसोसीरीज में हमको सबसे पहला मिल जाता है हमारा ये रिमोट, जो कि वॉइस रिमोट आता है, सेम टू सेम हमारे ओल्ड जो 32 इंच की एलईडी टीवी है टीसीएल की, वैसा ही सेम रिमोट आया है, बस टीवी में ही फीचर्स बढ़ाए गए हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का ये रिमोट है, वॉइस रिमोट गूगल असिस्टेंट के साथ। और ये इसकी वारंटी कार्ड वगैरह और यूजर गाइड और टेबल टॉप एंड वॉल माउंटिंग करने के लिए जो दिया गया है पर्चा एक। और हमको इसमें मिल जाते हैं दो सेल और एक एवी केबल, और चार स्क्रू मिल जाते हैं जो कि टेबल टॉप के रहते हैं, जो कि हमने लगा दिए हैं। और गाइस, ये देखिए, इसमें म्यूट का हमको इसमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, म्यूट का बटन मिल जाता है, सेव का बटन मिल जाता है, गूगल असिस्टेंट का बटन मिल जाता है, सेटिंग्स का बटन मिल जाता है, होम को चलाने के लिए हमारे ये हॉटकीस मिल जाती है, और तो और ये बैक बटन मिल जाता है, होम बटन मिल जाता है, और ये वॉल्यूम अप डाउन का बटन, ये सोर्स का बटन मिल जाता है, और ये हॉटकीस यहाँ पर नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, गार्ड मीडिया, यूट्यूब एंड टीसीएल चैनल की। तो गाइस, अब सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं सेल। अब कर लेते हैं इसको प्लग इन। और गाइज, इसमें आपको पता है बटन बिल्कुल नीचे दिया जाता है, ये यहां पर, ये देखिए, जहां से टीवी हमारा हो जाएगा टीसीएल का ऑन। और आप यहां से पन्नी, ये जो कि आप बाहर भी कर सकते हैं, जो कि मैंने करा नहीं है, और इससे आपको टीसीएल का पैनल का पता चलता है कौन सा पैनल है। तो अब हम इसको पीछे लगा देते हैं। ये गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉइड एलईडी टीवी आएगा, एंड्रॉइड एकदम फुल, एंड्रॉइड फुल स्मार्ट। तो गाइस, थोड़ी सी सेटअप कर लेते हैं यहां पर टीवी के होम डैशबोर्ड पर आने के लिए। वाईफाई कनेक्ट करने से पहले मैं इसका होम दिखा देता हूं, एंड वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको इसका होम दिखा दूंगा। एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी, लिविंग टीवी, आप जैसा रखना चाहे वैसा नाम रख सकते हैं इसका। ये देखिए, आप तो होम पे रहेंगे, तो होम के लिए मैं होम कर लेता हूँ, इंडिया, एग्री, एग्री, अलाउ। रिमोट को पेयर करने के लिए ओके बटन और होम बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ता है, जिससे हमारा ब्लूटूथ के थ्रू
रिमोट पेयर हो जाता है, जो कि पेयर हो चुका है। इसमें आपको ब्लूटूथ भी मिल जाएगा, जिससे आप अपने होम में थिएटर वगैरह होगा और भी अदर साउंड वगैरह, आपको जो ईयरफोन वगैरह है वो भी आप इससे अटैच कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का इसका होम दिखाई देगा हमारे को, और नेट केबल करने के बाद में थोड़ा सा अलग प्रकार का हमको होम दिखाई देगा, जो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए इसमें नेटफ्लिक्स, टीसीएल चैनल और प्राइम वीडियो, लाइव टीवी, यूट्यूब, गूगल प्ले मूवीज एंड टीवी, मीडिया और सेफ्टी गार्ड, ये होम पे मिल जाता है। और आप यहाँ से अपनी जो एडिट फेवरेट आपके ऐप्स है वो बाहर भी ला सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बात करूँ इसमें सेटिंग्स में जाके आपको जो है इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ टीवी की। तो ये देखिए सबसे पहले वाईफाई हम कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। योग्य हमारा वाईफाई कनेक्ट, योग्य हमारा वाईफाई कनेक्ट, कनेक्टिंग टू, कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब वाईफाई कनेक्ट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको बैक करता हूं मैं। तो गाइज अब आपको यहां पर देख सकते हैं आप TCL अकाउंट एंड साइनिंग, फिनिशिंग सेटअप यूर टीवी, सेटअप यूर डिवाइस नेम, आप जो भी ये कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से अपनी आईडी भी डाल सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी भी, और यहाँ पर नेटवर्क वाईफाई टर्न एंड ऑफ हो गया, ये ऑन कर लेता हूँ। नो इंटरनेट कनेक्टेड, कनेक्टेड हो गया। अकाउंट साइनिंग्स, एप्स, एप्स देख सकते हैं आप इसमें, सी ऑल एप्स, सो सिस्टम एप्स, ये देखिए आपको सिस्टम में जो इसमें ऑलरेडी एप्स है वो भी विजिबल हो जाएंगे इसमें आपको, और ऐप परमिशन वगैरह भी दे सकते हैं आप यहाँ से। और ये डिवाइस परफॉर्मेंस, डिवाइस परफॉर्मेंस में अबाउट में जाके आप फुल डिटेल निकाल सकते हैं, एलडीवी की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पर आपको पूरा शो कर देगा, इसका सीरियल नंबर से लेकर हर एक डिटेल शो कर देगा आपको, डिवाइस नेम, सॉफ्टवेयर अपडेट, रिबूट स्टेटस, लीगल इंफॉर्मेशन, यूजर एग्रीमेंट्स, एंड हमने जो स्मार्ट टीवी नाम रखा था, और यहाँ पर एंड्रॉइड ओएस वर्जन 11 मिल जाता है आपको, कर्नल वर्जन, सब डिटेल्स मिल जाती है आपको यहाँ पर। क्विक स्टार्ट, इनपुट, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड सेट, आपके हिसाब से आप कुछ भी डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी करना आपको, कीबोर्ड आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज इसमें 3.7 GB अभी तक अवेलेबल है, टोटल 8 GB स्टोरेज आती है। होम स्क्रीन, गूगल असिस्टेंट का एक्सेस दे सकते हैं आप, परमिशन वगैरह जो भी है यहाँ से आप दे सकते हैं। और गूगल असिस्टेंट ऑन, ये देखिए साइन यूज विदाउट साइनिंग अप, ये ऑन हो गया हमारा। अब क्रोमकास्ट इन बिल्ट है इसके अंदर, स्क्रीन सेवर है, लोकेशन है, यूजेज एंड डायग्नोस्टिक, एसेसिबिलिटी, रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है हमको, और यहाँ से आप अपने ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह पेयर कर सकते हैं। अब गाइज आ जाते हैं हम कस्टमाइज चैनल्स भी कर सकते हैं आप यहाँ से। अब देखिए मैं इसमें आपको एक कोई सी पिक्चर चला के बताता हूँ, ताकि आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी का पता चल सके। के वीडियो ऑन यूट्यूब आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप, एक HD टीवी आया है ये, गूगल असिस्टेंट भी बहुत ही काफी हद तक बढ़िया वर्क कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए 4K वीडियो, आप कुछ भी बोल के अपना नेटफ्लिक्स वगैरह पे जैसे जाना हो आपको वैसे जा सकते हैं, कुछ भी बोलकर आप लगा भी सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप HDR10 भी है इसमें, और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर फुल HD पे चल रही है कि नहीं, LED टीवी कितने पे चल रही है ये देख सकते हैं, 480p पे चल रही है, मैं 1080p कर देता हूँ इसको कन्वर्ट, कन्वर्ट हो रहा है ये देखिए कन्वर्ट भी हो गया। अब आप इसकी पिक्चर क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बहुत ही शानदार पिक्चर क्वालिटी रहेगी वैसे तो इसकी, क्योंकि ये FHD और थोड़ा अपडेट वर्जन आया है। आप इसके एक एक जो बेजल लेस टीवी आया है, फ्रेम लेस, आप बेजल्स देख सकते हैं इसके, बहुत ही पतले एकदम स्लिम बेजल्स आए हैं। Oh, 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 oh
गाइज इसमें आपको मिलेगा बहुत ही बेस्ट रिफ्रेश रेट जो कि 60 हर्ट्ज चलेगा, 178 डिग्री तक व्यू एंगल मिल जाएगा इसमें, 16.9 एक्सेप्ट रेशियो मिल जाएगा, कंट्रास्ट रेशियो इसमें 4000.1 रह जाएगा, और जो कि ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस मिल जाती है आपको इसमें, और इसमें G31MP2 @550MHz ग्राफिक प्रोसेसर मिल जाता है इसमें आपको। और 1920x मिल जाता है इसमें आपको 1080 पिक्सल्स, VA का पैनल मिल जाता है आपको इसमें, VA का पैनल मिल जाएगा, बहुत ही बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी रहेगी इसमें आपको, जो कि आप पिक्चर एकदम नेचुरल फीलिंग भी ले सकते हैं एकदम। अब गाइस इसमें लगाते हैं NCS सॉन्ग और इसका वॉल्यूम करते हैं चेक, NCS सॉन्ग ऑन यूट्यूब। तो गाइज इसमें आपको 10-10 वॉट्स के दो स्पीकर मिल जाएंगे, टोटल आउटपुट रहने वाला इसका 20 वॉट्स। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसमें आपको डॉल्बी सराउंडेड साउंड मिलेगा, फोर के वीडियो ऑन यूट्यूब। Here's what I found on YouTube. तो गाइज इसमें और आपको 1GB रैम मिल जाएगी, 8GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, और बहुत ही बेस्ट प्राइस है। उसके लिए जो आपको प्राइस जानना है तो हमारे को कमेंट करके बताएं, और गाइज यह एलईडी टीवी आपको कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताएं हमको, और हमारे ऐसे ही अदर बेस्ट एलईडी टीवी एंड अदर होम अप्लायंसेस के लिए हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके लिए ऐसी बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में और अदर होम अप्लायंसेस भी लाते रहूं। आपको यह एलईडी टीवी ऑर्डर भी करना हो तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे नीचे दिए गए संपर्क करके आप एलईडी टीवी ऑर्डर भी कर सकते हैं। पूरे इंदौर में सीओडी में अवेलेबल है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्ट कुरियर बस के थ्रू आपको अवेलेबल है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गाइस आपने हमारे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।